हुकूमत के जाने के दिन ठहर चुके वजीर आजम को मालूम होगा माइनस वन की बात कहां से हो रही है। ये माफियाज की हुकूमत है, दो साल में मौईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आटा, चीनी और पेट्रोल बहरान क्या पिछली हुकूमत की वजह से है? राणा सनाउल्ला के तब्दीली सरकार से सवालात। बोले, ओपोजिशन के खिलाफ इंतकामी हथकंडे इस्तेमाल करना ही हुकूमत का एजेंडा है। वजीर आला से मिलने वाले अरकान वही हैं जो पिछले साल भी मिले थे। हमारे तो चंद अरकान मिले हैं, वक्त आएगा कि उनके बहुत से अरकान मिलेंगे। मौजूदा रजीम का ये जो इंतकाम पे मबनी रवैया है, इस हुकूमत का कोई और एजेंडा नहीं है, इस हुकूमत की कोई और पॉलिसी नहीं है, मासवाए अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाना, अपोजिशन को विक्टिमाइज करना और अपोजिशन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाना। इन्होंने लोगों को महंगाई के रहमो करम के ऊपर छोड़ा हुआ है और माफियाज के रहमो करम के ऊपर छोड़ा हुआ है। ये माफियाज की हुकूमत है और माफियाज जो है उनके लिए चलाई जा रही है, और माफियाज जो है उन्होंने आम आदमी की दो वक्त की रोटी उनसे छीन रखी है और आम आदमी का जो है वो जीना अजीर्ण कर दिया है। छह लोग कल मिले हैं जिनकी खबर तो ये आई है कि वो अपने हलकों के मिसाइल के लिए मिले हैं। ये तो वही लोग हैं जो साल पहले भी गए थे। इंशाल्लाह ताला जिस दिन जो है वो हालात थोड़ा सा भी बदलेंगे तो उधर से जो है वो छः सात नहीं, उधर से कुछ 60-70 लोग ही जो है वो दूसरी तरफ आके